हरे रंग का या गंदा पानी बाहर आ रहा है निपल से. तो ये हरे रंग का या गंदा पानी जो है ये यूजुअली 40 साल से 50 साल की उम्र के बीच में देखा गया है. एंड ये जो प्रॉब्लम है ये डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर और जो लेडीज स्मोक करती हैं उनके अंदर ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है. दिस कंडीशन इज़ ऑल्सो नोन एज डक्ट इक्टेजिया, मतलब जो आपकी दूध की नलियाँ हैं वो सूज गई हैं या बड़ी हो गई हैं जिसकी वजह से उनसे डिस्चार्ज बाहर आ रहा है. इन पेशेंट्स के अंदर जो सबसे पहली चीज़ हमें करनी होती है वो है कैंसर को रूल आउट करना. एंड कैंसर को रूल आउट करने के लिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमें ट्रिपल असेसमेंट करना है कि डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेंगे, जांच करेंगे, एक अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफी करवाएंगे एंड सुई की जांच करेंगे. और अगर डिस्चार्ज बाहर आ रहा है तो इस डिस्चार्ज को भी स्लाइड पे इकट्ठा करके हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं देखने के लिए कि उसमें कैंसर की सेल्स हैं या नहीं. अगर डिस्चार्ज ज़्यादा नहीं है या फिर कुछ डाउट रह जाता है तो इसका जो ट्रीटमेंट है, अगर एक या दो नलियाँ बड़ी होती हैं तो उसके अंदर फिर हमें सर्जरी करनी पड़ सकती है. अभी फाइनली बात करते हैं सबसे डराने वाली या ख़तरनाक डिस्चार्ज की, वो है ब्लडी निपल डिस्चार्ज या अगर निपल से खून बाहर आए. अगर निपल से खून बाहर आता है तो इसको दो में डिवाइड कर देते हैं कि अगर एक ही जगह से आ रहा है या दो तीन जगह से खून बाहर आ रहा है. अगर एक ही जगह से खून बाहर आ रहा होता है तो इसका सबसे कॉमन कारण है डक्ट पैपिलोमा. डक्ट पैपिलोमा मतलब जो छाती की दूध की नलियां हैं उसके अंदर छोटी सी गांठ बन जाती है जिसकी वजह से ये खून बाहर आता रहता है. नाउ ये जो नली के अंदर की गांठ है ये अल्ट्रासाउंड या एमआरआई में पकड़ में आ जाती है. और इसका जो ट्रीटमेंट है, हमें ये सिंगल नली को निकालना पड़ता है. इस सर्जरी का नाम है माइक्रोडुकेक्टमी. ये ज़्यादा बड़ी सर्जरी नहीं है, छोटी सर्जरी है. आप सुबह आते हैं, शाम को छुट्टी हो जाती है आपकी. पर ये सर्जरी करवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो डक्ट के अंदर पैपिलोमा है ये 10% पैपिलोमा कैंसर के साथ या अर्ली स्टेज कैंसर के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं. इसलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करे ये सर्जरी करवानी चाहिए अगर ब्लडी निपल डिस्चार्ज आ रहा है तो. अगर मल्टीपल जगहों से ब्लडी निपल डिस्चार्ज आ रहा है और छाती के अंदर अगर गांठ भी है तो ये कैंसर का एक बहुत कॉमन सिम्टम हो सकता है. एंड बिना किसी समय वेस्ट किए आपको एक डॉक्टर को दिखा के एक स्कैन करवाना चाहिए जिससे उस गांठ की बायोप्सी की जाए एंड आगे इलाज किया जाए जैसे वो पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है.